जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एमएनटी न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बामसेट का राज्य स्तरीय दो दिवसीय कैडर कैंप सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, जहां बामसेट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर सुनीता कुमार प्रशिक्षक के तौर पर मौजूद थी। कैडर कैंप पूर्ण होने के बाद कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया। 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन सांसदों की शपथ ग्रहण के दौरान भी हंगामा देखने को मिला। विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद सत्र के पहले ही दिन सदन का अनुशासन तोड़ते हुए नया विवाद पैदा कर दिया। पहली बार सांसद चुनी गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब शपथ लेने पहुंची तो उन्होंने अपने नाम के पीछे स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी जोड़कर शपथ लेना शुरू किया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने नियम कायदों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई। विपक्ष के हंगामे के बाद प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वह रिकॉर्ड को सत्यापित करेंगे और तदनुसार संज्ञान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 बैच के प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अधिकारियों ने अपनी याचिका में कैडर आवंटन स्कीम को लेकर समानता की मांग की है। उनकी इस याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कैडर आवंटन नीति 2017 पर जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 बैच के आईएएस आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन को रद्द कर दिया था। कैडर आवंटन की इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया था। अधिकारियों के एक समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 5 अधिकारियों के दूसरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में नई रिट याचिका दाखिल कर अपने 20 सहयोगियों की तरह कैडर आवंटन की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत की खबर पर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से करीब 120 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं चिकित्सकों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। मानवाधिकार आयोग ने बयान जारी कर बताया कि आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के सचिव और बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। गौरतलब है कि जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार रात बारात आई थी। बारात के शोरगुल का फायदा उठाकर उसी गांव का पड़ोसी युवक शनिवार रात 8 वर्षीय मासूम बच्ची को उठाकर मुंह दबाकर खेतों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्मी के चंगुल से छूटने के बाद रोती हुई बालिका अपने घर पहुंची और परिजनों को अपनी आप बीती बताई। परिजनों ने रविवार को थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। उत्तर प्रदेश बिहार में भीषण गर्मी और लू की लपट जानलेवा बन गई है। राज्य में पिछले 3 दिन में गर्मी से 150 लोगों की जान गई है। गया, नवादा और औरंगाबाद के अस्पताल में 300 से ज्यादा मरीज भर्ती कराए गए हैं। इससे पहले रविवार को 74 और शनिवार को 50 मौतें हुई थी। सोमवार को राज्य में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान डेहरी में दर्ज किया गया। पटना, गया में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। इस बीच राज्य सरकार ने 22 जून तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। गया में गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि यह महज 3 घंटे ही रहा, बाद में हटा दिया गया। इसके तहत 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अच्छाबल इलाके में सोमवार को ही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान सेना के मेजर केतन शर्मा शहीद हो गए। मेरठ के बसा टिकरी गांव के अजय कुमार की शहादत के बाद देश के लिए ये मेरठ के 105वें लाल की शहादत है। महाराष्ट्र के नागपुर में पूल पार्टी में जा रहे सगे भाइयों की कार पलटने से मौत हो गई। फेसबुक पर लाइव करते समय ओवरटेक के चक्कर में यह कार पलटी। इसमें 9 लोग सवार थे। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। सभी को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।